है एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाली गोभी मंचूरियन की रेसिपी जो कि सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है और आज हम इसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनाने वाले हैं तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने ली है 500 ग्राम फुल गोभी और मैंने इसको ऐसे कट करके इसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है और इसके सभी पीसीस को हमें एक समान ही रखना है ताकि जो हमारे मंचूरियन है वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और इसको मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है तो अब हमें गोभी को बॉयल करना है तो एक पैन में हम पानी लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे वन टी सॉल्ट इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे सभी गोभी के फूल और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर दो मिनट के लिए ही बॉईल करना है बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें गोभी को बॉईल नहीं करना और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप इसमें गोभी को ऐड करें तो आप देख सकते हैं कि गोभी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे पानी इसे ड्रेन कर लेंगे तो अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे तो अब हम एक बॉल लेंगे और उसके अंदर ऐड कर लेंगे थ्री टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और थ्री टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड कर लेंगे मैदा इन दोनों की क्वांटिटी को हमने सेम ही रखना है और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टू टेबल स्पून राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा इसे यूज़ करने से हमारे जो मंचूरियन है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे वन टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और वन टीस्पून सॉल्ट और वन फोर्थ टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर और इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे तो पानी आप एक साथ ज़्यादा ना डालें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी को यूज करें और इसका एक थिक बैटर हम बना लेंगे तो आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है और अब हम इसमें एक एक करके गोभी के फूल को ऐड करते जाएंगे तो सभी गोभी के फूल को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो बैटर है वो गोभी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए तो अब हम इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदे का कर यूज़ करेंगे आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा करने से हमारे जो गोभी है फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है तो एक सेपरेट प्लेट लेंगे और सभी गोभी के फूल को ऐसे अलग अलग निकाल कर प्लेट में रख देंगे तो अब ये फ्राई करने के लिए रेडी हो चुकी हैं तो अभी पैन लेंगे पैन में हम ऑयल को ऐड करेंगे और ऑयल को हम अच्छा गर्म कर लेंगे और इसमें एक एक करके हम सभी गोभी के फूल को ऐड करते जाएंगे और गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम और, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे गोभी को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है तो इसे ऐसे फ्लिप करते हुए चारों तरफ से हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि गोभी में अच्छा सा कलर आ चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छा ऑरेंज सा कलर आ चुका है तो गोभी के फूल हमारे सभी फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसे एक सेपरेट प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं ये दिखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं तो सभी गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि गोभी हमारी अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है तो अब हम इसकी ग्रेवी को रेडी कर लेंगे तो मैंने लिया है दो लहसन दो टेबल स्पून लहसन की कलियाँ और वन मीडियम साइज़ की कैप्सिकम वन मीडियम साइज़ की अनियन और टू से थ्री ग्रीन चिलीज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और अब एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे वन टीस्पून विनेगर और टू टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे सोया सॉस और थ्री टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस और इन तीनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो सॉसेस हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इसे हम साइड पे रख देंगे और फोर टेबल स्पून हम अलग से केचप कैचप ले लेंगे टमेटो केचप तो अब एक बाउल में हम ऐड कर लेंगे वन टेबल स्पून फ्लोर और इसमें थ्री टेबल स्पून पानी डालकर हम इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे जो कि हमें ग्रेवी में यूज़ करना है तो इसे भी हम साइड पे रख देंगे और अब हम एक पैन लेंगे और पैन में ऐड कर लेंगे थ्री टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक इन दोनों को ऐड करके हम कुछ सेकंड के लिए इसे ऐसे फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अनियन वन मीडिय, मीडियम साइज़ की अनियन को मैंने ऐसे फ़ाइनली चॉप कर लिया है और वन मीडियम साइज़ की कैप्सिकम को भी मैंने फ़ाइनली चॉप कर लिया है तो इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इससे मिक्स करेंगे कुछ मिनट के लिए हम इसे ऐसे कुक कर लेंगे सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो सॉसेस का मिक्सचर हमने रेडी किया था तो वो सभी मिक्सचर को हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो कैचअप फोर टेबल स्पून और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे सॉल्ट तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड इसमें कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और वन फिफ्थ टी स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे काली मिर्च का पाउडर और वन से टू टी स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे रेड चिली सॉस और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे स्प्रिंग अनियन जिसे मैंने फाइनली चॉप्ट किया हुआ है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें थ्री टू फोर टेबल स्पून ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लोर का बैटर जो हमने रेडी किया था एक साथ सारा बैटर यूज़ ना करें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी तो फोर से फाइव टेबल स्पून हम इसमें पानी को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने फ्राई किए हुए गोभी के फूल तो सभी फ्राइड गोभी के फूल को हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस के फ्लेम को हम हाई रखेंगे तो जब भी हम कोई भी चाइनीज़ आइटम बनाते हैं तो हमें गैस के फ्लेम को हाई रखना होता है तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और ऊपर से हम इसमें गार्निश कर लेंगे स्प्रिंग अनियन और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते हुए हम हाई फ्लेम पर ऐसे टोस कर लेंगे आप देख सकते हैं कि मंचूरियन हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे इसे बहुत ज़्यादा मिक्स हमें नहीं करना तो आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी गोभी मंचूरियन बनकर रेडी हो चुके हैं और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं तो हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे तो आई होप कि आपको ये गोभी मंचूरियन की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अलम